बस एक बेहतरीन पिक्चर देखने आए हैं एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। और एक बेहतरीन फिल्म भी आप बना रहे हैं। हम वो फिल्म बना रहा हूँ, बेहतरीन या नहीं हो तो आप लोग बताएंगे। तो मतलब क्या कुछ स्टेटस है, कहाँ तक फिल्म का शूट? फिल्म हो गई कंप्लीट, बस एक दिन का शूट बचा है और शूटिंग कंप्लीट है। जून में रिलीज करेंगे हम, 23 जून को ईद है, 26 जून को ईद है, तो 23 को हम लोग आएंगे। कुछ क्लैश भी है? अभी तक तो नहीं सुना, लेकिन आपको आ जाए तो हो जाएगी क्लैश। ओके, व्हाट आर द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑल वर्किंग ऑन क्यू लाइक? हर फिल्म के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, मतलब आई थिंक एज यू नो कि मैं बहुत ज़्यादा आउटडोर लोकेशंस में शूट करता हूँ। इस बार लद्दाख के पहाड़ों में बहुत शूट किया, तो आई थिंक दैट मस्ट हैव बीन फिजिकली द मोस्ट चैलेंजिंग टू शूट। डू यू समवेयर अंडर द प्रेशर इन द पोस्ट भाईजान, बजरंगी भाईजान सक्सेस, देयर एक्सपेक्टेशन इज रियली हाई, वेदर इट इज क्रिटिक और अदर? नहीं, वो प्रेशर मैं नहीं लेता हूँ कि लास्ट फिल्म हिट थी फ्लॉप थी। वो प्रेशर लेंगे तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर मैं एक था टाइगर का प्रेशर लेता तो फिर मैं एक था टाइगर जैसी एक फिल्म और बनाता। हमने वी डिपार्टेड बजरंगी भाईजान बनाई, तो आई थिंक वो मैं प्रेशर नहीं लेता। पिक्चर बना रहे हैं, अब आप लोगों को अच्छी लगेगी तो इट विल डू द सेम बिजनेस एज बजरंगी, नहीं तो कम करेगी। ओके, सलमान का एक एकदम अलग रूप देखने को मिलेगा क्या कभी? जी, बहुत अलग, ये मैं बोल सकता हूँ कि ट्यूबलाइट में अगर लोग कह रहे थे कि बजरंगी भाईजान में सलमान अलग है, तो इसमें तो उससे 5 कदम आगे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई, आपने कौन सी देखी? मैं एक्चुअली शूट कर रहा था, मेरा पहला ऑफ डे है, कल फिर शूट कर रहा हूँ, तो मैंने काबिल और रईस में दोनों में से एक भी नहीं देख पाया हूँ। किसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड? दोनों बहुत एक्साइटिंग एक्टर्स हैं और दोनों फिल्में देखना चाहता हूँ। ओके, व्हाट हैपेंड विद संजय लीला भंसाली इन जयपुर, व्हाट्स योर बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री? आई थिंक इट्स शॉकिंग, आई थिंक इट्स हॉरिफिक कि ऐसी चीज़ हमारे मुल्क में हो सकती है। आई मीन सबको राइट है, एक अगर उनको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें, लेकिन हर चीज़ एक डेमोक्रेटिक स्टाइल में होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि गुंडागर्दी आ रहे हैं, कोई आ गया आपने थप्पड़ वप्पड़ मार दिया। आई थिंक इट्स डिस्गस्टिंग व्हाट हैपेंड इन जयपुर एंड आई एम शॉक्ड दैट दोज पीपल स्टिल हैव नॉट बीन कॉट एंड थ्रोन इन टू जेल। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है संजय लीला भंसाली की स्क्रिप्ट से, फर्स्टली आपको स्क्रिप्ट कैसे मालूम है ये मुझे नहीं मालूम, बिकॉज संजय किसी को नहीं पढ़वाते हैं स्क्रिप्ट, सो दे ऑलरेडी सीम टू नो वॉट इज इन द फिल्म। अगर फिल्म में कुछ खराब लगी तो अभी फिल्म सेंसर बोर्ड के पास जाएगी, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगी जब पास होगी तब आप अपना जो प्रोटेस्ट आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन पीसफुली करिए। हर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिस कारण गुंडागर्दी इज जस्ट नॉट डन। थैंक यू सो मच। Well, to be very honest, you know, today was my first off day, so I slept till lunchtime. I missed the live telecast, so I've just sort of got a few indicators of what has happened. So I'm not really in a position to be able to intellectually sort of speak about what the budget is. I just got a few things about the tax rates and got a few things about some of the infrastructure investments that they're increasing. So I don't really have the details to be able to talk.